यहाँ का माहौल, बाजार का सरगर्मी किधर है, किधर झुकाव है? यहाँ का झुकाव तो सुरेंद्र प्रसाद यादव का लड़का है विश्वनाथ यादव। विश्वनाथ 35 साल में तो यहाँ इतना विकास हुआ है कि उतना वर्णन भी लोग नहीं कर सकता। वोट जाएगा तेजस्वी के? तेजस्वी को? हाँ, तेजस्वी मैं लंटेन छाप। लंटेन छाप, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र यादव। यादव जी, जी क्या लग रहा है यहाँ का माहौल, बाजार का सरगर्मी किधर है, किधर झुकाव है? यहाँ का झुकाव तो सुरेंद्र प्रसाद यादव का लड़का है विश्वनाथ यादव। विश्वनाथ यादव, तो उनको क्यों वोट देना चाहते हैं? 35 साल से कैसा विकास किए हैं? 35 साल में तो यहाँ इतना विकास हुआ है कि उतना वर्णन भी लोग नहीं कर सकता। वर्णन भी नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है। मनोरमा देवी कह रहा है 35 साल से यहाँ का जनता तबाह है। मनोरमा देवी ने 10 साल MLC रहा, हाँ कहीं पे भी उसको कोई सिलावट दिखाइएगा नहीं है, कहीं भी शिला पट मैं देखना चाहता हूँ मनोरमा देवी के नाम से कि अभी हाँ तक मैं नहीं, नजर ही कहनी नहीं पड़ा है। और ये इनका विश्वनाथ जी का पिताजी का सुरेंद्र यादव जी का, सुरेंद्र यादव जी का चलिए यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। हाँ फर्स्ट आवर में मोड़ से जैसे मुड़िएगा वैसे सुरेंद्र यादव के द्वारा फिर आगे गली में भी लगा हुआ है। मतलब इतना विकास किया, इतना विकास किया है कि हमारे ये जो गली में रोड बना है ना, उसमें इतना कचरा लगा रहता था, वो सब क्लीन हो गया। सब क्लीन हो गया बिल्कुल। इस बार माहौल रहेगा एक तरफा? हाँ, जन सुराज एक कैंडिडेट उतारे हैं, मुसलमान का वोट कटेगा का? वो जन सुराज का तो थोड़ा चला था लहर, हाँ लेकिन हीना साहब जब ज्वाइन किया है, हाँ तो 50% कट गया। कट गया जब ओसामा का रैलिया यहाँ होगी। ये है का मुस्लिम जब सुराज भाई था अकेला, हाँ तो बोल रहा था हम लोग सुराज भाई सुराज भाई, हाँ लेकिन जब हीना साहब आया तो वही मुस्लिम भाई कह रहा है कि RJD जिंदाबाद, RJD जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ। लग रहा है यहाँ का हर समाज, वैक समाज हो, जादव हो, कोयरी हो, महतो हो, आपका भूमियार हो, हाँ। हर का वोट किसके मिलेगा सबसे ज्यादा? हर कास्ट से 50% से 60% तक, हाँ RJD में वोट जाना चाहिए। RJD में वोट। रॉकी यादव का नाम सुने हैं? रॉकी यादव का सुने नहीं है, जो गोली मारा था। किसको मारा था? कोई व्यवसायी का बेटा का, हाँ गया में जो साइड लेकर के, हाँ क्या ओवरटेक कोई कर करके गोली मार देगा, उसको वोट करेगा? नहीं कीजिएगा। कैसे करेगा? कह रहा है बढ़िया आदमी है। कल हमारा बच्चा भी, समाज से कल हमारा बच्चा भी हो सकता है कि गाड़ी लेकर के जाएगा तो ओवरटेक करके गोली मार देगा। हाँ तो ऐसा को वोट करने का है? नहीं दीजिएगा उनको वोट, काहे को देगा ऐसा को वोट? अरे बढ़िया इंसान है। कौन कहता है इंसान है? देवी अब आंचल फैला दी है कि एक बार झोली भर दीजिए। नहीं वो तो आंचल फैलाने हमारा अतिरिक्त क्षेत्र में गया था। हाँ क्या दुर्दशा वहाँ हुआ? लग रहा है यहाँ भी उस तरह होगा, उसी तरीका से होगा। हाँ हाँ सब यादव गोलबंद हो गया एकदम, गोलबंद हर समाज गोलबंद हो गया। हाँ। किनके तरफ? लालू जी के तरफ। लालू जी के तरफ, नीतीश जी लालू जी जब दोनों का भ्रमण रहेगा तो क्या लगेगा, कन्वर्ट होंगे कुछ अदर जात वोट? नीतीश और लालू एक साथ होगा तो? नीतीश जी उधर से, लालू जी इधर से। हाँ जब दोनों करेंगे वो अपना अपना प्रत्याशी के लिए प्रचार, तो किनका भारी होगा मत? लालू जी का। लालू जी का कह रहे, लालू जी तो जखने रहते थे जब उन्हें जुमलों की सरकार थी, गुंडों की राज थी। कौन कहता है गुंडों की राज थी? लालू जी थे जखने, कहने वाला जो था ना वो गुंडों की राज चला रहा है। हाँ हाँ अभी सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन बाबू नहीं है, कुशासन बाबू है। कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, हाँ उनको नहीं देखिएगा? नहीं। चिराग पासवान कहते हैं बहुत ही अच्छे दलित का नेता है, दलित बोले हमारा तरफ जाएंगे, किनके तरफ रहेंगे दलित? वो दलित फलित यहाँ कुछ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा चिराग का? नहीं चलेगा जी? नहीं जी। अशोक चौधरी आए देखे की बोल रहे थे? अशोक चौधरी आया तो चौधरी के यहाँ यहाँ है कम से कम 35 घर चौधरी है। हाँ। लेकिन एक घर में नहीं गया। नहीं गया? नहीं गया। आए थे यहाँ? यहाँ आए थे 8 दिन पहले। हाँ नहीं गए। एक चौधरी के घर में गया? कोई चौधरी है तो सामने पूछ ले। हाँ वो कह रहे थे कि 2025 में 2000 सीट से जीतेंगे। 2000 सीट से? हाँ। 245 को सीट में, यही तो बोला था शायद वो नीतीश कुमार। कंफ्यूज हो रहा है नीतीश कुमार बार बार, अब पलटी मार हो गया है। सही बात है, उसको दिमाग जो है ना, हाँ। कलभट हो गया है। किसका? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का तब 500 कुछ 400 कुछ वोट संसद में न था, पार करेगा। हाँ और अभी 245 के बोल रहा है कि 2000 पार, 2000
245 के बोल रहा है 2000 पार। हाँ। यही नेता की पहचान है और सुशासन बाबू कहला रहा है। हाँ। मतलब उनका बिहार में दारू बंद है, कहीं कहीं मार लेते हैं। कौन कहता है बिहार में दारू बंद है? नहीं है, और महंगा हो गया है। महंगा हो गया और हर घर में हो गया है। हर घर में हो गया है। जिस दिन लाइसेंसी था उस दिन यहाँ भी एक कलाली था। हाँ। उस दिन घर घर में नहीं मिलता था, और अभी अभी तो घर घर में मिलेगा जी। हरिजन टोला में चले जाइएगा, घर घर में मिलेगा दारू। तो इसीलिए इस बार किनको देखिएगा मुख्यमंत्री, ऐसा किनको बनाएगा 25 में? मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी यादव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि जितने लोग थे सबका यही कहना है, जब से नीतीश कुमार सरकार में आए हैं गरीबों गुरुओं का जीना हराम है, क्योंकि उन्होंने कभी कभी बयान भूल जाते और ये कारण उनका माइंड ही डिस्टर्ब है ना। माइंड डिस्टर्ब 100% किसका? नीतीश कुमार का। और बाकी आपका क्या रहा है बेलागंज को लेकर? इनका कहना, हम लोग यहाँ जितने भी लोग है जाति पाति से उठकर इस बार वोट देंगे और हम लोग राजद को वोट देंगे, विश्वनाथ यादव जी को वोट देंगे। इस बार आपका क्या रहा, इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे हैं केटल न्यूज़, मैं सूरज कुमार, जय हिंद।